सो हे वासो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और भाई साहब, आज हम लोग माइनक्राफ्ट में दोबारा से अपनी सर्वाइवल सीरीज में खेलने वाले हैं। मुझे पता है कि मैं मतलब यार बार बार अपनी सर्वाइवल सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ हर एपिसोड में। कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा वन ब्लॉक की सोच रहा हूँ दोबारा से यार एक सीरीज कंटिन्यू करने की, उसका भी देखेंगे। खैर फिलहाल यार मेरा वाला वर्ल्ड क्या गया, एक्चुअली मैंने ना बहुत सारा, ये रहा मेरा वर्ल्ड, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। हाँ तो यहाँ पे है मेरा वर्ल्ड, खतरनाक वर्ल्ड। इसमें मैं जल्दी से अपने शेडर्स अप्लाई कर देता हूँ जो कि मैं यूज़ करता हूँ भाई साहब जल्दी से, और फिर आपसे मिलता हूँ यार। तो ओके गाइस, यार मैंने सारे शेडर्स एंड कनेक्टेड ग्लास वाले मोड पर अप्लाई कर दिए। अब जल्दी से यार मैं अपने वर्ल्ड को कर लेता हूँ ओपन। और अभी जब मैं वर्ल्ड को ओपन कर रहा था, जब मैं ढूंढ रहा था, तब आपने मेरे वर्ल्ड के ऊपर देखा होगा खतरनाक वन ब्लॉक। तो भाई साहब एक्चुअली हुआ गया था, मैंने वन ब्लॉक का वर्ल्ड बनाया था, लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण वो गलती से डिलीट हो गया था जो उसकी रिकॉर्डिंग फाइल्स थी, तो उसी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो खैर उसे तो छोड़ते हैं और अभी हम अपनी सर्वाइवल सीरीज ही करेंगे कंटिन्यू, बाद में देख लेंगे उसे। खैर अभी ये लोड भी हो चुका है भाई साहब, ओके तो ये लोड हो चुका है यहाँ पे सब। जल्दी से यहाँ मैं नीचे जाता हूँ। आपको याद हो गया लास्ट एपिसोड में हमने बनाया था अपना नेदरराइट का आर्मर और टूल्स। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, नेदरराइट का आर्मर और टूल्स, भाई साहब मज़े ही आ गए थे कल तो। और मैं स्क्रीनशॉट क्यों ले लिया मैंने, अब यार डिलीट करो इसे स्क्रीनशॉट को। हाँ तो मैं क्यों बोल रहा था, हमने लास्ट एपिसोड में बनाया था नेदरराइट का आर्मर और ये क्या बोल रहा हूँ मैं, वो क्या कहते हैं इन्हें टूल्स, हाँ नेदरराइट के टूल्स भाई साहब मज़े आ गए थे। लेकिन आज हम लोग एंडर ड्रैगन को मारने की तैयारी करने वाले हैं भाई साहब। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने आर्मर और टूल्स को कर लूँगा एनचेंट। और आपको तो पता ही है बाजू में अपने विलेज है, तो यहाँ से हमें थोड़ी सी हेल्प भी मिल सकती है। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें एनचेंटमेंट टेबल बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होते हैं एक डायमंड चाहिए होते हैं, नहीं दो डायमंड चाहिए होते हैं, पता नहीं। मैं जल्दी से देखता हूँ क्राफ्टिंग टेबल में जाके, एनचैनमेंट टेबल लिखता हूँ मैं जल्दी से यहाँ पे, एनचैनमेंट टेबल एनचैनमेंट, हाँ ये रही। तो इसके लिए दो डायमंड, चार ऑब्सीडियन और एक बुक, भाई साहब ये सब सामान लगता है। तो यार फिलहाल अभी मुझे करना ही होगा, मतलब दो डायमंड और फाइंड करने होंगे। मैं आपको जल्दी से मिलता हूँ जब मैं ये एक एन्चेंटमेंट टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि बस मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। ऐसा बना लिया है, लेकिन उसको रखने से पहले यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे यहीं पे रख देता हूँ, मैं इसे थोड़ा टेम्प्रेरी के लिए। बाद में मैं इसे एकदम अच्छा बनाऊँगा, एक डिटेल्ड मैं एपिसोड बनाऊँगा इसके ऊपर। और अभी देखो इसमें होता क्या है, इसमें हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें अपनी कोई भी टूल या फिर आर्मर रखना होता है, और ये हमें एन्चेंटमेंट देगा। उसके लिए हमें लैपिस लजूली चाहिए होती है जो कि हमें केव्स में आसानी से मिल जाते हैं, हम उसे स्टोन के पिकैक्स से भी माइन कर सकते हैं। और देखो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एफिशिएंसी वन, अनब्रेकिंग वन और एफिशिएंसी वन, इसमें क्या है अभी हमें वन लेवल का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि बस हमने ये एन्चेंटमेंट टेबल रखी है, उसके आसपास कोई भी भाई साहब बुक शेल्फ नहीं है। तो उसकी ट्रेड जो ये देता है हमें, उसको अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बुक शेल्फ, जो कि भाई साहब मुझे शायद विलेज से भी मिल सकते हैं। लेकिन ना सबसे पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ, खाना है मेरे पास ये रहना भाई खाना, हाँ तो मैं जल्दी से खाना खा लेता हूँ और जल्दी से देखता हूँ कहीं से अगर मुझे बुक शेल्फ का भाई साहब जुगाड़ होता है, वरना तो मैं अपने विलेजर्स की हेल्प लेने वाला हूँ इसमें। जल्दी से मैं चलता हूँ। बाकी यार आप मुझे बताना कि जैसे कि मैं पहले खेलती थी तो मुझे पता चला कि जैसे जावा एडिशन में क्या होता है पीसी में, उसमें हम बहुत सारे लेवल होते हैं लाइब्रेरियन के जो हमें बुक ट्रेड करता है, लेकिन इसमें बहुत कम लेवल होते हैं और वैसा बहुत कम बुक ट्रेड करता है जो हमारा लाइब्रेरियन है। तो बताना अगर ऐसा सच्ची में होता है। यहाँ पे मुझे भाई साहब कोई विलेजर भी नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो वाई। मैं जब मैं आया था इस विलेज में स्टार्टिंग में, तब मुझे बस एक ही विलेजर दिखा था, अभी तो मुझे वो भी नहीं दिख रहा है यार कहीं भी। वैसे बुक शेल्फ मिल जाए यहाँ पे भी नहीं है बुक शेल्फ, मुझे पता है मैं पहले माइनक्राफ्ट के कॉपी गेम्स खेला करता था तो वहाँ पर मुझे मिलती थी, बाकी यार यहाँ पर भी नहीं है यार। अगर मुझे नहीं मिली तो फिर मुझे बनानी पड़ेगी, मैं कहाँ गिर गया, फिर तो यार मुझे बनानी ही पड़ेगी जो बुक शेल्स है। बाकी यहाँ पे तो ब्लास्ट फर्नेस है भाई, बाकी चलो यार मैं एक काम करता हूँ, आपसे तभी मिलता हूँ जब मुझे भाई साहब बुक शेल्स वगैरह मैं इकट्ठा कर लेता हूँ।
ले लिया भाई साहब, इकट्ठा कर ली थी। और बाकी अभी मैं जल्दी से जाता हूँ यार अपनी बेसमेंट में और इससे जल्दी से लगा देता हूँ उसके आजू बाजू में भाई साहब, फिर हमें अच्छी अच्छी ट्रेड देगा वो और फिर हम उससे अपने आर्मर और जो हमें टूल्स होते हैं वे भी एंजॉय करेंगे। लेकिन यार उससे पहले मुझे जो एक्सपी है वो भी भाई साहब बढ़ानी होगी, तो उसके लिए मुझे भाई साहब केव में जाना होगा, जो कि भाई साहब मतलब मुझे डर लगता है यार मॉब से भाई, कभी भी क्रीपर आके फूट जाएगा, मेरा नेदरराइट का आर्मर भी चला जाएगा। खैर छोड़ो उससे बाद में देखता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बुक शेल्फ लगा देता हूँ साइड में। आई थिंक ऐसे ही लगता है ना, नहीं ऐसे नहीं लगता, वो जो है एक के ब्लॉक के गैप में ही लगते हैं। ओ भाई सब शिट यार घाय थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, जो मैंने जो है उसे नॉर्मल एक्स से तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो मुझे बुक के रूप में मिल गई, जो कि मुझे बुक शेल्फ के रूप में मिल चाहिए। अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, उसके लिए लेदर चाहिए जो कि मुझे हॉर्स और काओ को मार के मिल जाएगा, ज़्यादा कुछ वाली बात नहीं है। खैर यहाँ पे भाई साहब एक लेयर तो हो चुकी है हमारी, बाकी अभी मुझे और करने के लिए चाहिए होगा लेदर, तो लेदर मैं जल्दी से लेदर लाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। गाइज हाँ इसे भी मैं मार, अब पहुँच ही नहीं पा रहा मैं, हाँ पहुँच गया, इसे मैं मारता हूँ और जल्दी से जाके इन दोनों का भी लेदर में कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब मैं एक बार घर जाकर देखता हूँ कि हमें एक बुक्शेल्फ बनाने के लिए कितना लेदर चाहिए होता है। एक्चुअली है क्या मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने आज से पहले ये सब काम करा नहीं है। मैं पर क्या करता था, क्रिएटिव में जाके ये सारी चीज़ें कर लेता था। बाकी छोड़ो जल्दी से मैं नीचे जाता हूँ और सॉरी क्राफ्टिंग टेबल पे जाता हूँ और देखता हूँ बुक शेल्फ। ओके तो उसके लिए हमें बस ये चाहिए होता है, लेदर तो चाहिए ही नहीं भाई, मैं बेफालतू में क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ, लेदर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस प्लैंक चाहिए जो कि मेरे पास भाई भरकर है, कहाँ गए सारे के सारे मेरे प्लैंक्स भाई साहब, एक सेकेंड। प्लैंक 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 इधर तो नहीं है, इधर है क्या प्लैंक्स, प्लैंक है और वुड भी है भाई साहब बहुत सारी, तो यहाँ पे मैं जल्दी से वुड भी कलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा जो इन्वेंट्री है उसको क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि भाई साहब घुसड़ पुचड़ मची है यार यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं अपने जितने भी इन्वेंट्री में कबाड़ है वो सब मैं क्लियर कर लेता हूँ, और बाकी अभी फ़िलहाल मैं ये बुक्स बनाने के, वेट एक सेकेंड, बुक्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, बुक्स को बनाने के लिए चाहिए होता है 3 पेपर और 1 लेदर। तो एक्चुअली जो मैंने उनको तोड़ा था उनसे मुझे बस इतनी बुक मिली थी क्या, या फिर देखता हूँ क्या पता मैंने गलती से रख दी हो इन चेस्ट वगैरह में। यहाँ पर तो नहीं है, नहीं भाई इतनी थी मिली थी, आई थिंक इतने से काम हो जाएगा। हाँ मैंने कितनी तोड़े थे, 3 ही तो तोड़े थे और मुझे उनसे 3 ही मिले। हाँ तो जल्दी से मैं आई थिंक कि ये एक लेयर तो ये हो ही जाए, नहीं यार एक रह गया, शिट कोई बात नहीं यार ये भी बहुत है। अब मैं इनमें जल्दी से ना अपनी सॉट डाल कर देखता हूँ अब क्या मिला। देखो जैसे कि आप लोग देख सकते हो भाई साहब लूटिंग 3 मिल रहा है, शार्पनेस 2 मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यार मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सॉट बर्बाद नहीं करूँगा, मैं एक काम करूँगा काओ को पालूँगा और फिर उनसे लेदर इकट्ठा करके मैं बुक्स बनाऊँगा, बुक्स बना के फिर मैं उनसे जो है कलेक्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले भाई साहब मैं अपनी जो ये बेसमेंट है उसको बना ही लेता हूँ, मुझे बेकार बेकार सा लग रहा है ये जो मैंने कर रखा है यहाँ पे गंदा सा। तो मैं एक काम करूँगा, मैं क्वार्ट्ज ब्लॉक का यूज़ करने वाला हूँ, वेट यार अब मुझे बुक्स मिलेंगी इनके बदले, कोई बात नहीं छोड़ो। हाँ अब तो अब मैं ऐसे कर लेता हूँ और फिर तो गाइस एक्चुअली मेरे घर पे थोड़े से गेस्ट आ चुके हैं, तो आपको थोड़ी सी नॉइज़ भी मिल देख आप सुन सकते हो, तो कोई बात नहीं यार इतना सहन कर लेना थोड़ा सा। बाकी मैं इन सबको हटाता हूँ, लेदर में इकट्ठा कर लूँगा गाय को मार के, और जल्दी से मैं इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ अपनी एन्चेंटमेंट टेबल को यहाँ पे भाई साहब। ओके और मैं आपसे तभी मिलता हूँ जब मैं इसे पूरा ऐसा क्वार्ट्ज से अच्छा बना लेता हूँ भाई साहब। और क्वार्ट्ज के लिए मुझे नेदर जाना होगा, कोई बात नहीं थोड़ा सा रिस्क ले लूँगा, आयरन का आर्मर पहनकर मैं चला जाऊंगा यहाँ पे, और बाकी तो मैं तो ओके गाइजर फाइनली यहाँ पे मैंने इसे कवर तो कर दिया है क्वार्ट्ज ब्लॉक से भाई साहब। बहुत टाइम लग गया था इसे करने में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा रह भी गया है, इसे भी मैं जल्दी से कर दूंगा, मैं बाद में कर दूंगा।
लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो अपनी इंटरनल टेबल है, और यहाँ मेरी बहन इतना क्यों बोलती है भाई साहब, सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं इधर उधर हो जाता हूँ कई बार। खैर यहाँ पे मैं जल्दी से वो बहुत सारे ना बुक शेल्स भी बना कर लाता हूँ ऊपर से। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल में मैं सबसे पहले प्लैंक्स बना लूँगा, और प्लैंक्स से भाई साहब मैं बना लूँगा, कहाँ गए मेरे प्लैंक्स, ये हाँ रुको मैं सीधा सर्च ही कर लेता हूँ ना बुक शेल्फ। हाँ तो ये बुक शेल्फ मुझे बनाने, इतने से ही बनेंगे, रुको भाई इतने से तो नहीं बनने चाहिए। एक काम करता हूँ, सारे लॉग्स के ही मैं ये प्लैंक्स बना लेता हूँ एक स्टैक। हाँ तो एक स्टैक बन चुके हैं, इनसे बन जाएंगे 11। ओके अभी भी 15 बचे हैं, तो अभी और भी करना है, तो दोबारा से मैं प्लैंक करूँगा और फिर मैं दोबारा से ये बनाऊँगा। ओके 21 हो गए हैं गाइस यहाँ पे, और मैं इसे यहाँ पे जल्दी से मैं लगा दूँगा, और फिर यहाँ पे इसे हमें करना क्या है, सिंपली एक ब्लॉक छोड़ के हमें करना है। यहाँ पे मैं इसे कर दूँगा वैसा वैसे, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे टॉर्चेस भी हटानी पड़ेगी। ओके ये, और फिर यहाँ पे, और ऐसे मुझे 3 लेयर बनानी है, तो आई थिंक 3 लेयर नहीं हो पाएगा मुझे, और जो बुक्स है वो लानी होगी। और भाई साहब जल्दी से मैं बुक्स लाता हूँ यार, और बहुत सही ले आया हूँ, अब इनसे मैं देखता हूँ यार कितने बुक्सल जो है वो बन पाते हैं। और सुबह भी हो गई यार, लेदर को इकट्ठा करते करते 6 बन जाएंगे यार, बस 6 ही बनेंगे। प्लैंक कम है, प्लैंक की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं लॉक से कन्वर्ट कर लूँगा प्लैंक, और फिर बना लूँगा ये, और फिर जाऊँगा क्योंकि एक बुक से नहीं हो पाएगा। हाँ तो 12 और हो जाए, 12 से हो जाएगा काम, हो जाना चाहिए। और फिर यहाँ पे मैं जल्दी से इसे और ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास थोड़े से और हैं, और फिर ये 3 लेयर हो जाएंगे भाई साहब, लेकिन मेरे पास कम पड़े हैं थोड़े से, तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा नहीं लगाएंगे तो चलेगा। हाँ तो इतनी हमारी लाइब्रेरी हो चुकी है, आई थिंक कितनी बहुत होती है, 2 लेयर की आई थिंक बहुत होती है, मुझे लगा ही था। और अब मैं अपनी पिकैक्स डाल के देखता हूँ, देखते क्या है। ओ भाई साहब अनब्रेकिंग 3, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अनब्रेकिंग 3 आ गई, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए होंगे लेवल और लैपिस लजूली, तो मैं जल्दी से यार लैपिस लजूली भी लाता हूँ आपके लिए, मतलब एनचेंट करने के लिए, और केव से एक्सपी भी लाता हूँ यार मैं जल्दी से। वो कमरे से बाहर जा। लेवल भी थोड़े से ही मैं ला पाया, कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं एनचेंट करूँगा भाई साहब अपनी सॉर्ड को, और सॉर्ड में लूटिंग 3 मैं नहीं लगा पाया। मैंने क्या, ओ भाई साहब क्या भाई साहब यार मुझे वो मिल गई, सॉर्ड मिल गई, ओ भाई साहब। तो गाइस अभी मेरी मम्मी आ गई थी, तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, कोई बात नहीं। हाँ तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब शार्पनेस 2 की जगह फायर एस्पेक्ट और नॉक बैक हमें फ्री में मिल चुकी है भाई साहब, मज़ा ही आ गया यार, अपनी खतरनाक सॉर्ड भी बन चुकी है। और एक बार मैं अपनी पिकैक्स भी डालकर देखता हूँ यहाँ पे, बड़े डल ना, हाँ मैंने डाली, और इसमें क्या मिलेगा, एफिशिएंसी 1 अनब्रेकिंग 1, नहीं यार ये नहीं, एफिशिएंसी 1 और अनब्रेकिंग 1 कौन लेता है यार, एक बार मैं डाल के देखूँ तो, एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, फॉर्चून 3, ओ भाई साहब मुझे फॉर्चून 3 चाहिए, लेकिन उसके लिए 30 लेवल चाहिए। ओ यार भाई मुझे फॉर्चून चाहिए थी यार, फॉर्चून मिल जाएगी तो बड़ा मज़े आ जाएंगे यार, क्या बताऊँ। अभी थोड़ी सी और बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग चाहिए, फॉर्चून 3, ओ भाई साहब ये क्या है, फॉर्चून 3 अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 4, भाई साहब यहाँ पे मुझे मिल चुकी है एक खतरनाक पिकैक्स। ओ भाई साहब यार ये सच्ची में गाइस ये बहुत अच्छा है, आप एक बार ट्राई करो इसे, मतलब ये दो साइड में ऐसे बुक शेल्फ लगा देना। बाकी अभी मैं मुझे जो एनचेंट करनी है अपनी एक्स, तो एक्स में क्या, बेन ऑफ एट्रोपॉड नहीं चाहिए यार, शार्पनेस टू में कुछ अच्छा मिल सकता है, तो मैं शार्पनेस 2 ले लेता हूँ यहाँ से फटाफट, शार्पनेस 2, हाँ ये रही को शांत, शार्पनेस 2 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ,
वेट एक सेकेंड, मैं पिकैक्स क्यों डाल रहा हूँ? तो यार इसके साथ सिर्फ ही मिली, कोई बात नहीं यार, शवल पे देखते हैं। शवल में अनब्रेकिंग 3, फॉर्चून 1, एफिशिएंसी 1। तो आई थिंक अनब्रेकिंग 3 अच्छा आइडिया रहेगा, तो मैं अनब्रेकिंग 3 तो नहीं ले सकता, फॉर्चून लेके देखते हैं, सिर्फ फॉर्चून। अब यार मुझे बुक्स करनी होगी, कोई बात नहीं बुक्स भी कर लेंगे हम। मैं एक बार एक बुक डाल के देखता हूँ, ये क्या मेरा बैन ऑफ एट्रोपॉल। यार ये क्या है, और क्या बचा हो बची, छोड़ो यार, मैं अभी आपको तभी मिलता हूँ जब मैं अपना एक खतरनाक वाला अच्छा सा आर्मर बना लेता हूँ गाइस। जी हाँ, करो क्रिएटिव करो। और मुझे चाहिए, ढूंढूंगा नेदर फोर्ट्रेस, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं जो इतना भी ये मेरे पास रखा है सामान, वो सब इसके अंदर मैं रखवा देता हूँ। और भाई साहब यहाँ पे ओके, तो गाइस सबसे पहले तो मैं जाऊँगा नेदर में, और भाई साहब वहाँ पे ढूंढूंगा एक नेदर फोर्ट्रेस, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं ये सामान रखवा देता हूँ जितना भी है। यहाँ पे मैं कुछ बुक्स है, खैर छोड़ो इतना सामान चलता है, बूट्स भी है मेरे पास, तो अब मैं जल्दी से जाता हूँ। और यहाँ पे जल्दी से जाता हूँ मैं ऊपर छत पर, और भाई साहब सबसे पहले तो मैं ये खाना खा लेता हूँ। यार एक बार इतना बंदा जो इतना धीरे चल रहा है ना, ओ क्रीपर, अबे भागो भागो भागो, अब यार कोई से मैंने बो नहीं बनाई यार। मिशन क्रीपर मारो सक्सेसफुल, यार कितने सारे क्रीपर है यार वहाँ पे। ओए मेरे फार्म में क्या कर रहा है, नहीं फूटना नहीं फूटना नहीं फूटना नहीं, फूट गया। अबे यार चलो मैं क्रॉप्स ही डिस्ट्रॉय हुए, कोई बात नहीं इसे छोड़ता हूँ, मैं जल्दी से जाता हूँ अभी फिलहाल नेदर में भाई साहब, और वहाँ पे मैं ढूंढूंगा नेदर फोर्ट्रेस। नेदर फोर्ट्रेस में मैं मारूंगा ब्लेजेस को, और ब्लेजेस मार के मैं कलेक्ट करूंगा ब्लेज रॉड को, ब्लेज रॉड को से मैं बना दूंगा ब्लेज पाउडर, और ब्लेज पाउडर और आई ऑफ एंडर से, सॉरी एंडर पर्ल से मैं आई ऑफ एंडर बना लूंगा। ओके तो ऐसे में हटा, ये हो गया। अब मैं जल्दी से यार इधर उधर, ओ भाई सामने होगले दिख रहे हैं, अब यार ये गंदे लोग मुझे नहीं चाहिए, भागो भागो भागो। और बूट्स 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 पहनो भाई, बूट्स पहनो। ओ भाई अब मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त, मैंने गोल्डन बूट्स पहने हैं भाई साहब, मजाक है। ओके यहाँ पे मैं जल्दी से और देखता हूँ आस पास, मैंने अभी मैं नेदर में ना एक्सप्लोर नहीं करा है। और भाई साहब सामने वो ब्लू वाला है जहाँ पे हमें एंडर मैन मिल जाते हैं, और सामने कोई फोर्ट्रेस तो नहीं दिख रहा। अबे तुम मुझे मार क्यों रहा है, मैं पीछे क्यों पड़ा हुआ, मैंने तुझे मारा है क्या है, मैंने मारा तुझे बेटा, एक सौड़ के फटका मारूंगा जल्दी जल्दी मर जाएगा, चला जाए यहाँ से। ये तो नहीं मार रही, ये तो बैठी है शायद, तुझे चुन मछली पता नहीं क्या है। ऐसे सुनो तो मुझे खाना खाने दो भाई साहब, यार खाना खाने दो मुझे जल्दी से, मार मत, मैं देख सौड़ चला दूंगा, मैं सोच रहा हूँ, हट जा। वैसे ही मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मेरे पास है अपना नेदराइट का आर्मर, और भाई साहब मुझे डर लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यार सामने हो गए ने, मुझे यहाँ पे किस फोन किया यार इन माइनक्राफ्ट वालों ने, मम्मी अब इसका बहुत हो गया यार, बेफाल तो मैं दिमाग खराब कर रहा था, मर गया मेरे फोन से। खैर छोड़ो यहाँ पे मैं नीचे जाता हूँ, और ओ यार डर लग रहा है मैं लावा में ना गिर जाऊँगा यार, एक तो मेरे पास मेरा नेदरराइट का आर्मर है ना यहाँ पे, यार मैं कोई एमएलजी करने वाली चीज़ भी नहीं लाया, तो यार मुझे डर लग रहा है, देखता हूँ मेरे पास अगर हे बेल हो तो, नहीं यार हे बेल भी नहीं लाया मैं, खैर छोड़ो यहाँ पे मैं, लेकिन यार फिर नीचे कैसे जाऊँ यार, अब लावा भी नहीं है जिससे मैं अपना फॉल डैमेज घटा लेता यहाँ पे।
गाइस यार इट्स बिग ब्रेन टाइम। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं ऐसे गिरा तो मैं मर सकता हूँ। तो उससे पहले यहाँ पे मैं काम करता हूँ फॉल डैमेज को कम करने के लिए, मैं लावा में जंप मार दूंगा जय हनुमान। ओ भाई भागो 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 भागो, अबे खाना खाओ खाना खाना, भूल आ रहे हंगामार जो है। ओ भाई अब सामने से गंदे लोग आ रहे हैं, आजा 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 आजा, तुझे बताता हूँ आज माँ नहीं आना, आज मैं तुझे मारता हूँ, पकाओ खाना खाऊंगा आज मैं तेरा। दे चलो खाना मिल गया फ्री का, ये तो अच्छे लोग हैं, ये नहीं मारते हमें, ये अच्छे लोग हैं। जॉम्बी फाइड पिगलिन, खैर छोड़ो यहाँ पे मैं और आगे चलता हूँ और देखता हूँ भाई साहब यहाँ पे। वो भाई क्या डरावना लग रहा है यार, नेदर इन RTX के साथ भाई। मेरे पास मैं ब्लॉक्स ला गया, ब्लॉक्स नहीं लाया मैं बुद्धू कहीं का यार। चलो गाइस मैं आपको तभी मिलता हूँ जब मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिलता है। मैं बहुत दूर तो आ चुका हूँ लेकिन यार अब तक मुझे कोई भी नेदर फोर्ट्रेस जो है नहीं मिला है। खैर मैं और नीचे उतरता हूँ यार, और मैं ट्रैवल करके देखता हूँ थोड़ा सा फॉल डैमेज से है लेना मेरे गोल्डन बूट्स। ओ भाई साहब वो क्या है, एक सेकेंड भाई साहब बैशन मिल गए यार, लेट्स गो गाइस। बैशन मिल चुका है आपके भाई को, यानी कि फ्री के नेदराइट का माल। ओ भाई साहब यार नीचे ज़्यादा है वो, आई थिंक ज़्यादा कह रहे हैं, मैं नीचे कैसे जाऊँ वेट। तो गाइस मैं आपको तभी मिलता हूँ जब मैं वहाँ पे उस गाँव में वो हाँ उस बैशन तक पहुँचता हूँ। और यार मुझे सीरियसली डर लग रहा है अंदर जाते हैं, क्योंकि अंदर ब्रूट होते हैं भाई साहब जो हमें भाई साहब बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। मैं यहाँ पे जब मारता हूँ और यहाँ पे मैं रूट पर पहुँच चुका हूँ बैशन की, और मैं अंदर जाता हूँ। और अब जय हनुमान, हनुमान जी का नाम लेकर मैं अंदर तो आ चुका हूँ यार यहाँ पे, बस कोई ब्रूट ना मिल जाए। बाकी मैं चेस्ट लूटता हूँ यार जल्दी से यहाँ पे। ओ भाई साहब यहाँ पे मैं मर ना जाऊँ बस, ये भाई ये बहुत ही ध्यान से चलना होगा यार यहाँ पे भाई। भाई साहब मेरे पास ब्लॉक है का प्लैंक है, हाँ तो प्लैंक्स की सहायता से मैं यहाँ पे हाँ ओके ओके यहाँ पे मैं चलता हूँ। सॉर्ड को हाथ में रखता हूँ, नो मर गया बच गया। ओ भाई डर लग रहा है यहाँ पे भाई साहब, वो लूट का है यार जो नीचे होती है, मुझे कोई और लूट नहीं लेनी, मुझे वही लूट ले दो बहुत है। ओ हट जाइए मुझे मरना नहीं है। ओ भाई साहब पूरी फौज आ गई, उन मैं गया। ओ भाई साहब बच गया यार, मैंने उन्हें लावा में धक्का दे दिया। मैं जाकर देखता हूँ, ओ भाई साहब ब्रूट, ओए ब्रूट जब पंगा मत ले मारूंगा बहुत यहाँ पे मैं। ओ भाई साहब यहाँ पे मैं गिर जाता ना, तो अगर मैं लावा में गिर जाता ना तो मुश्किल हो जाती। हट जा हट। ओ भाई साहब कहीं पिघले मुझसे गुस्सा हो गए। ओ नो गाइस मैं गया, आई एम डन। ओए नहीं, ओ मैं गया। गाइस मैं आपको तभी मिलता हूँ जब मैं ये कर लेता हूँ सारा, निकल जाता हूँ यहाँ से। टैग कर दिया और हड़बड़ी में मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, तो वो मोमेंट में कैमरा में देखने के लिए कि आप भी देखो कि मैं मर गया था, उसको करने के लिए मैं जो रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा था हड़बड़ी में, मैंने दो बार क्लिक करा लेकिन वो ऑन नहीं हुई। मुझे लगा ऑन हो गई लेकिन वो एक्चुअली में ऑन ही नहीं हुई थी। और फिर मैं वहाँ पे मैं मरते मरते बचा, और फिर मैं गया और मैंने और एक्सप्लोर करा, फिर मैंने नेदर फोर्ट्रेस भी ढूंढ लिया और वहाँ से मैंने ट्रेड कर लिया, जो मुझे ये मान लो 10 मुझे गोल्डन ब्लॉक्स मिले थे, उनमें से मैंने 6 से ट्रेड कर लिया था। और ये मैंने आई ऑफ एंडर ले ली थी बहुत सारी, जैसे कि आपको पता ही होगा, और मैंने ब्लेस पाउडर भी कलेक्ट करा था बहुत सारा। बाकी अभी फ़िलहाल मैंने ये तो कलेक्ट कर लिया, तो यार आई थिंक कि अभी के लिए इतना बहुत होगा। लेकिन यार सबसे पहले सब चीज़ों के पहले मैं ये आई ऑफ एंडर रखवा लेता हूँ भाई साहब। और यहाँ पे मुझे 2 स्वॉर्ड मिली थी वहाँ पे, और ये 1 डायमंड की शवल मिली थी, ज़्यादा कुछ नहीं मिला था वहाँ पे, नहीं वैसे वो वाला ट्रेजर था जो होता है बीच में जो एकदम ग्राउंड में होता है वो भी नहीं था। खैर छोड़ो यहाँ पे मैं सबसे पहले यार खाना भी खा लेता हूँ यार, क्योंकि रास्ते में मुझे बहुत पिटाई हुई थी मेरी। खैर छोड़ो जो भी हुआ ठीक ही हुआ, यहाँ पे मैं ऊपर चलता हूँ और भाई साहब आउट्रो देता हूँ और वीडियो बंद करता हूँ।
सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना। टिल देन टाटा बाय बाय।